हार्दिक अभिनंदन व्यूअर्स आपके अपने चैनल स्टॉक स्पार्क ट्रेडर्स में। आज इस वीडियो में बात करेंगे TTML स्टॉक के बारे में, जिसमें कई दिनों से हमें एक गिरावट देखने को मिल रही थी और आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें स्टॉक 108.45 रुपीज़ के प्राइस पर 20% के अपर सर्किट में नज़र आया। इस वीडियो में आपको बताएंगे इतनी बड़ी तेज़ी के पीछे की वजह, साथ ही में जानेंगे कैसे परफॉर्म कर सकता है स्टॉक आने वाले दिनों में और क्या रहेंगे रेजिस्टेंस लेवल्स इस स्टॉक के लिए, इन्वेस्टर्स अब इस स्टॉक में क्या करें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें ये स्टॉक 108 रुपीज़ के प्राइस पर 20% के अपर सर्किट में नज़र आ रहा है और इसका लास्ट 1 मंथ चार्ट देखें तो स्टॉक में हमें 5% की गिरावट देखने को मिली, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि पिछले मंथ स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में ट्रेड कर रहा है। लेकिन कल के दिन बड़ी गिरावट स्टॉक में आई और 90 रुपीज़ तक लो भी बनता दिखा। लेकिन हम सबको ये समझना होगा कि इस स्टॉक में ऑपरेटर्स गेम चल रही है। नीचे के लेवल्स पर स्टॉक में बल्क डील्स करी जा रही हैं, हैवी बाइंग करने के बाद स्टॉक में तेज़ी करके ऑपरेटर्स खुद एग्ज़िट कर रहे हैं और उसका नुकसान जो है सिर्फ़ और सिर्फ हम जैसे रिटेलर्स को होता है। रिटेलर्स जब स्टॉक चलता देखते हैं तब एंट्री लेना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि आज भी बहुत से इन्वेस्टर्स ने बड़ी बड़ी बाइंग इस स्टॉक में कर ली होगी कि अब शायद स्टॉक कहीं 200 ही ना चला जाए। बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तो इस बात को समझने की कोशिश करें और इसे ऑपरेटर्स गेम्स वाले स्टॉक से बचें। कोई भी न्यूज़ इस स्टॉक के लिए नहीं आती देखने को मिली है, सिर्फ एक बाइंग नीचे के लेवल पर हो रही है जिससे आज अपर सर्किट लग गया। हम आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डेली फ्री कैश इक्विटी कॉल्स मिलती हैं जो कि हमारी रिसर्च टीम द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं और इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बात करें वॉल्यूम की तो अभी तक 2,87,00,000 का वॉल्यूम ही इस स्टॉक में देखने को मिल चुका है और हैवी बाइंग ऑर्डर्स अपर सर्किट के प्राइस पर हमें लगते देखने को मिले। जैसे कि आप सब जानते हैं TTML स्टॉक ने एक साल में 33 रुपीज़ का लो और 290 रुपीज़ का हाई बनाया है। अगर हम फंडामेंटली बात करें तो इस स्टॉक में इतनी बड़ी तेज़ी बिल्कुल जायज़ बात नहीं है। बात करें रेजिस्टेंस लेवल्स की तो हमें स्टॉक 113 रुपीज़ पर रेजिस्टेंस फेस करता नज़र आ सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल 120 से 124 रुपीज़ के बीच देखने को मिल सकता है। और हमारी आपसे सलाह यही रहेगी कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट ऐसी कंपनीज़ में ना करें। मार्केट में और बहुत सी बढ़िया ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनमें आप सेफ इन्वेस्टमेंट करके बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी वीक फंडामेंटल वाली कंपनी में ग्रोथ के चांसेस बहुत कम होते हैं और रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करें। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट्स के साथ।